तो यार आप सब लोगों को पता है कि आजकल जो एंटीवायरस बिल्कुल फ्री में नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पैसे देना पड़ता है, लाइक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या फिर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। एंड वो जो पैसे है ना, वो जो मनी है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आपको 200 से 300 रुपये या फिर 400 रुपये तक यहाँ पे आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे वो वाला मनी को जो सेव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताऊंगा जिससे कि आपने विंडोज का या फिर पीसी का जो वायरसेस है उसको क्लीन कर सकते हो एकदम फ्री में, बिल्कुल भी फ्री, मतलब टोटली फ्री में। और मैं पर्सनली इस ट्रिक को अगले 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा मतलब जितना बार भी यहाँ पे पीसी में जो है वायरस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, ये ट्रिक के साथ मेरा पीसी का जो वायरसेस है या फिर मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रहा था वायरस रिलेटेड, वो टोटली सॉल्व हो गया है। बट डू नॉट, यहाँ पे आपका जो वायरसेस है या फिर जो भी है यहाँ पे 100% क्लियर तो हो गया या नहीं मुझे नहीं पता है, बट मेरा जितना भी प्रॉब्लम्स था, मतलब कि जो भी वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ था, वो सारे इस ट्रिक के थ्रू यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस तरीके का पीसी रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टे इनटू इट। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक K7 का एंटीवायरस अपने वायरसेस को क्लीन करने के लिए। बट वेट, क्या मैंने नहीं कहा था कि आपको फ्री ट्रिक बताऊंगा अपने वायरस को क्लीन करने के लिए? तो फंडा ये है कि जब भी मेरा पीसी में कोई वायरस घुसता है तो मैं क्या करता हूँ, K7 का ऑफिशियल वेबसाइट में चला जाता हूँ और वहाँ से एंटीवायरस प्रीमियम वाला जो एंटीवायरस है उसका एक कॉपी डाउनलोड कर लेता हूँ, मतलब कि उसका एक ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। और वो जो ट्रायल वर्जन है ना, वो 1 दिन का ट्रायल है या फिर कुछ घंटों का ट्रायल है, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से 1 दिन का ट्रायल है। तो उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद मैं उसका सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाकर स्कैनर का जो सेटिंग्स है उसको चेंज करता हूँ टू क्लीन ओनली से, यहाँ पे रिपोर्ट ओनली मैं चेंज करता हूँ, ताकि जो भी वायरस पकड़ा जाए मैं उसको एक एक करके देख देख के डिलीट करता मतलब कर सकूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका एंटीवायरस जो है आपके जो इंपॉर्टेंट फाइल है उसको भी डिलीट कर देता है मैलवेयर या फिर वायरस सोच के। तो इसलिए मैं इसको क्लीन और रिमूव से यहाँ पे रिपोर्ट ओनली में करता हूँ, और उसके बाद मैं अपने पीसी को जो एक फुल स्कैन करता हूँ, जिससे कि जितना सारे वायरस है, जितना सारे ट्रैकिंग कुकीज, जितना सारे भी मतलब इन्फेक्टेड फाइल्स है, वो एक्चुअली में पकड़े जाते हैं। और उसके बाद मैं एक ही करके सारे के सारे वायरसेस को जो है या फिर इन्फेक्टेड फाइल्स को जो है देख देख के डिलीट करता हूँ एंड अपने पीसी को जो है क्लीन करता हूँ। और एक बार काम हो जाने के बाद मैं K7 एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, और दोबारा से जब वायरस घुसता है या फिर वायरस इफेक्ट हो जाता है मेरे पीसी में, दोबारा से इसको इंस्टॉल करता हूँ एंड अपने काम को जो कर लेता हूँ, क्योंकि हर बार जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको जो ट्रायल वर्जन मिलेगा, और उसके बाद अनइंस्टॉल करने के बाद वो जो मतलब सारे के सारे काम होने के हो जाने के बाद आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। अभी सेकंड मेथड की बात करते तो वो जो है विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस, जो कि बहुत ही पावरफुल एंटीवायरस सिस्टम है, जो कि विंडोज 10 के साथ एकदम फ्री में आता है। एंड अभी विंडोज का जो लेटेस्ट वर्जन का अपडेट है उसके बाद विंडोज डिफेंडर में जो काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस किया गया है, और यहाँ पे भी ये वाला फीचर दिया गया है कि आप जो है फाइल्स को जो है देख देख के डिलीट कर सको, या फिर मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है उसको भी कभी कभार मैलवेयर समझ के यहाँ पे वायरस डिलीट कर एंटीवायरस डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे अभी आप विंडोज डिफेंडर में भी यहाँ पे आप जो भी वायरस मतलब स्कैन में पकड़ा जाएगा उसके बाद आप एक एक करके उसको डिलीट कर सकते हो, या फिर मतलब अगर आपको वो फाइल रखना है तो आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे विंडोज डिफेंडर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको अपना मेन सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, ऑल सेटिंग्स में राइट नोटिफिकेशन बार से यहाँ पे आपको ऑल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। ऑल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको जो है विंडोज डिफेंडर देखने को मिल जाएगा। और विंडोज डिफेंडर में जाने के बाद यहाँ से आप अगर स्कैनिंग ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्कैनिंग मेथड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ एक फुल स्कैन करो अपने पीसी का, ताकि आपके सारे के सारे वायरस पकड़ा जाए एंड आप उसको डिलीट कर सकते हो एक एक करके, या फिर अगर आपको सारे के सारे डिलीट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से विंडोज डिफेंडर जो है ना एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पे एंटीवायरस सिस्टम है, जो कि विंडोज 10 के साथ फ्री में आता है। तो यहाँ पे आप फ्री का मजा ले सकते हो अगर आपके पास एक विंडोज 10 है या फिर विंडोज 10 पीसी आपके पास है, तो यहाँ पे आप विंडोज डिफेंडर को यूज़ कर सकते हो और अपने सारे के सारे वायरसेस को क्लीन कर सकते हो। और प्रीवियसली जब ये वाला ऑप्शन नहीं था कि मतलब एक एक करके फाइल डिलीट कर सकते हो या फिर रिस्टोर कर सकते हो, तब मैं विंडोज डिफेंडर को ऑफ ही रखता था, और अब जब ये फीचर आ चुका है तो मैं इसको हमेशा ऑन रखता हूँ, ताकि मतलब कोई वायरस पकड़ा जाए तो वो उसको क्वारंटाइन कर दें, और उसके बाद क्वारंटाइन से मैं उसको रिस्टोर भी कर सकता हूँ या फिर रिमूव भी कर सकता हूँ। तो यही दो ट्रिक है जो मैं अपनाता हूँ अपने पीसी में जब भी वायरस घुसते या फिर वायरस से अफेक्ट हो जाता है मेरा पीसी, तब या तो मैं विंडोज डिफेंडर से स्कैन कर लेता हूँ या फिर मैं K7 को डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ना अपने पीसी में जो है एंटीवायरस सिस्टम रखना पसंद नहीं है। एंड आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैं अपने विंडोज पीसी में जो है एंटीवायरस सिस्टम क्यों नहीं रखता हूँ। एंड अगर आप समझ गए हो देन यू आर इन द सेम ट्रेन। तो अगर आपको मतलब वायरसेस क्लीन करना है कभी कभार तो ये सारे तरीके को आप अपना सकते हो एंड अपने वायरसेस को फ्री में क्लीन कर सकते हो। तो इन दिन अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि यार मैं इस तरीके का वीडियोस आगे और भी लेके आता रहूंगा एंड एक्चुअली मैं लेके आता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो हमारे फैमिली को, एंड मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।